दूसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हुई घोषित। भारतीय टीम में हुए चार बड़े बदलाव। रजत पाटीदार, सरफराज खान की हुई भारतीय टीम में वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जहाँ पर भारतीय टीम में चार बड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम किस दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है, कौन कौन से खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे, किन दमदार खिलाड़ियों को टीम में जोड़ा जाएगा, तो इनकी जगह पर किन खिलाड़ियों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि यहां पर भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले का बेहतरीन आगाज करे और इस मुकाबले को दमदार तरीके से जीत कर एक ऐतिहासिक शुरुआत करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें भारत और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट महामुकाबले को लेकर टीम इंडिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम अपनी टीम में चार बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम में भी शानदार खिलाड़ी शामिल होते हुए दिखेंगे। वैसे में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे इस महामुकाबले के आगाज के बारे में। जहाँ पर हम इंग्लैंड की टीम की हम बात करें, तो इस टीम की बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी अब तक काफ़ी कमाल की देखने को मिली, जहाँ पर सबसे बेहतरीन पारी देखने को मिली थी अब तक ओली पॉप की, तो उनके साथ ओपनर बल्लेबाजों ने भी काफ़ी कमाल की शुरुआत यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को दिलाई। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी खास नहीं रही थी, हालांकि यहाँ पर सभी खिलाड़ी कुछ खास फॉर्म में तो नहीं उतरे, लेकिन टीम ने ज़्यादा बड़े स्कोर से पहले मुकाबले को ही गवाया था। 28 रनों से भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी, जहां पर भारतीय टीम शानदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने जा रही है, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे टीम इंडिया की दमदार रणनीति के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लैंड की टीम की हम बात करें, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे जैक कार्ली, तो उनके साथ होंगे बेन डेकेट, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी अब तक टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिला चुके हैं। इंग्लैंड की टीम इनसे यहां पर बेहतरीन ओपनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ये टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक तरफ जैक कार्ली जो कि काफ़ी बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं, तो वहीं पर बेन डेकेट ने भी अब तक दमदार शॉट खेले हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर ये ओपनिंग जोड़ी में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे ओली पॉप, जो कि अब तक टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँचा चुके हैं। अब तक इन्होंने 196 रनों की दमदार पारी खेली थी, यानी कि दोहरे शतक की पारी इनकी देखने को मिली थी और तक ये काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। दोनों ही टीमों में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित होते हुए दिखे, तो यहाँ पर एक बार फिर इंग्लैंड की टीम को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन फॉर्म में उतारते हुए दिखेंगे। तो नंबर 4 पर उतरेंगे टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी जो रूट, जहाँ पर जो रूट की बात करें तो जो रूट ने भी अब तक टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँचाया। इनकी बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी अब तक कमाल की देखने को मिली, शानदार विकेट चटकाते हुए भी दिखे, तो वहीं पर बल्लेबाजी में भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, तो एक बार फिर इन्हें यहां पर नंबर 4 पर मौका दिया जाएगा। वहीं पर नंबर 5 पर उतरेंगे जॉनी बेरिस्टो। जॉनी बेरिस्टो की बात करें तो इन्होंने भी अब तक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, शानदार बल्लेबाजी इनकी देखने को मिली, तो यहाँ पर एक बार फिर टीम की तरफ से नंबर 5 पर हमें ये खेलते हुए दिखेंगे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। तो वहीं पर नंबर 6 पर उतरेंगे टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जहां पर बेन स्टोक्स की बात करें तो यह भी एक दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि अब तक बल्लेबाजी में भी कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो वहीं पर गेंदबाजी में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो यहाँ पर एक बार फिर ये बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे और बेहतरीन कप्तानी पारी खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 7 पर उतरेंगे बेन फोकेस, जहां पर बेन फोकेस की हम बात करें तो इन्होंने भी अब तक मजबूत शुरुआत यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिलाई, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए दिखे, तो एक बार फिर इंग्लैंड की टीम इन्हें नंबर 7 पर मौका देने जा रही है। वहीं पर नंबर 8 पर उतरेंगे रेहान अहमद,
जहां पर रेहान अहमद की बात करें तो रेहान अहमद ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इन्होंने गेंदबाजी में सबसे बेहतरीन विकेट चटका कर दिखाए, तो यहां पर एक बार फिर इन्हें नंबर 8 पर मौका मिलेगा। वहीं पर नंबर 9 पर उतरेंगे टॉम विलियम हार्टली। जहां पर हार्टली की बात करें तो हार्टली भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए दिखे। शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ ही बेहतरीन गेंदबाजी भी करके दिखाई। यहां पर एक बार फिर इन्हें नंबर 9 पर मौका मिलने जा रहा है। वहीं पर नंबर 10 पर मार्क वुड इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। यह भी एक बेहतरीन गेंदबाज है और टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो यहां पर भी एक बार फिर इनसे इंग्लैंड की टीम बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद करेगी। वहीं पर नंबर 11 पर इस टीम का हिस्सा रहने जा रहे हैं जैक लीच। जहां पर जैक लीच की बात करें तो जैक लीच ने भी दमदार गेंदबाजी करके दिखाई, तो यहां पर एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारते हुए दिखेंगे और भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम दमदार रणनीति के साथ उतरते हुए कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम की शानदार रणनीति की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में हमें खेलते हुए दिखेंगे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। जहां पर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अब तक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, तो इनके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने अब तक टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई है। हालांकि हिटमैन रोहित शर्मा अब तक अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए नहीं दिखे, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी में शानदार ओपनर साबित होते हुए दिखे। तो एक बार फिर दोनों ही खिलाड़ी हमें ओपनिंग जोड़ी में भारतीय टीम का दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। वहीं पर नंबर 3 पर उतरेंगे सुमन गिल की जगह पर रजत पाटीदार। जहां पर सुमन गिल इस मुकाबले से बाहर होते हुए दिखेंगे, तो ऐसे में उनकी जगह पर रजत पाटीदार भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे और नंबर 3 पर ये बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो नंबर 4 पर KL राहुल की जगह पर सरफराज खान भारतीय टीम में वापसी करने जा रहे हैं। जहाँ पर सरफराज खान भी एक बेहतरीन खिलाड़ी और अब तक इनका परफॉर्मेंस भी दमदार देखने को मिला, तो ऐसे में भारतीय टीम के एल राहुल की जगह पर सरफराज खान को हिस्सा देने जा रही है। तो ऐसे में यहां पर सरफराज खान से भी भारतीय टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी और ये दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर उतरेंगे अक्षर पटेल। जहाँ पर अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने भी अब तक टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया, शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और पहले टेस्ट मुकाबले में इन्होंने ऐतिहासिक पारी खेली थी, तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए इन्होंने शानदार विकेट भी चटकाए। वैसे में नंबर 5 पर इन्हें यहां पर मौका दिया जाएगा। वहीं पर नंबर 6 पर खेलते हुए दिखेंगे सरेश अय्यर। जहां पर अय्यर की बात करें तो अय्यर भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं, टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए दिखे, तो एक बार फिर इन्हें यहां पर भारतीय टीम नंबर 6 पर हिस्सा बनाती हुई दिखेगी। तो नंबर 7 पर उतरेंगे जडेजा की जगह पर सौरभ कुमार। जहां पर जडेजा चोटिल हो चुके हैं, तो ऐसे में जडेजा की जगह पर सौरभ कुमार को भारतीय टीम अपने साथ जोड़ने जा रही है, जो कि अब भारतीय टीम में वापसी करेंगे और इनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम इंडिया करेगी। वहीं पर नंबर 8 पर उतरेंगे श्रीकर व्रत। जहां पर श्रीकर व्रत की बात करें तो श्रीकर व्रत ने भी अब तक काफ़ी मजबूत स्थिति में टीम इंडिया को पहुंचाया, शानदार फॉर्म में उतरते हुए दमदार विकेट कीपर के साथ साथ ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। वैसे में नंबर 8 पर इन्हें एक बार फिर मौका मिलेगा। तो वहीं पर नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे रविचंद्रन अश्विन। जहां पर अश्विन की बात करें तो अश्विन भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अब तक बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस किया, तो यहां पर भी एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 10 पर भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। जहां पर बुमराह की बात करें तो बुमराह ने भी अब तक टीम को काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतारा है, शानदार फॉर्म में उतरते हुए इन्होंने दमदार विकेट चटकाए, तो यहां पर एक बार फिर टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। वहीं पर नंबर 11 पर भारतीय टीम का हिस्सा रहने जा रहे हैं मोहम्मद सिराज की जगह पर कुलदीप यादव, यानी कि यहां पर कुलदीप यादव भारतीय टीम में वापसी करेंगे। वैसे में यहां पर टीम सिराज को बाहर करने जा रही है और कुलदीप यादव टीम इंडिया का हिस्सा बनते हुए दमदार विकेट चटकाते हुए दिखेंगे और टीम को मजबूत स्थिति में उतारेंगे। यानी कि यहां पर देखें तो भारतीय टीम 4 बड़े बदलाव करने जा रही है, जहाँ पर सुमन गिल इसके साथ ही जडेजा के एल राहुल और सिराज इस सीरीज से बाहर होते हुए दिखेंगे। वैसे में यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम अपनी टीम में 4 बड़े बदलाव करेगी और दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी।
वहीं पर दोस्तों अब हम बात करें इस महामुकाबले के आगाज के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जो कि शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 2 फरवरी को सुबह 9:30 पर, जिसे आप लाइव देख सकेंगे बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दूसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।